कलमना पुलिस स्टेशन की हद में दाल मिल से हजारों की दाल चुराने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि यह आरोपी पिछले कई दिनों से दाल मिल से दाल चुरा थे। पिछले कई दिनों से कलमना के अमर प्रोटीन्स दाल मिल से दाल चोरी हो रही थी, जिसकी रिपोर्ट फिरियादी दाल मालक ने पुलिस स्टेशन में दी, जिसके आधार पर पुलिस ने गुप्त सूचना और सीसीटीवी की मदद से चार आरोपियों का सुराग लगाया। आरोपियों में भगवत और गुड्डू राय, दामू खेलवार, रामलखन खेलवार का समावेश है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वही राम भरोसे रजक फरार बताया जा रहा है। दिनांक 21/5/24 रोजी आम्हाला फिर्यादीनामे मुकेश मावजीभाई शहा यांनी एक तक्रार आणली। त्या तक्रारीमध्ये त्यांची दाल मिल आहे, त्या दाल मिलमधून सुमारे 4 ते 5 वेळा आरोपितांनी त्यांची दाल चोरून एका टेम्पोमध्ये भरून नेलेली आहे। त्यामध्ये चार आरोपी अज्ञात आरोपी आहे अशी फिर्याद आल्याने यांनी एफ आय आर दाखल केला। दाखल केल्यानंतर लागलीच आम्ही आमची टीव्हीची टीम घटनास्थळावर पोहोचली। त्यांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे चार ताब्यात घेतलेला आहे। चारपैकी तीन आरोपी आपल्या अटकेत आहे, एक आरोपी अजूनही फरार आहे। त्यांच्याकडून टोटल हस्तगत झालेला माल 7,65,050 रुपये आहे। त्यापैकी 7 लाख रुपयाचा त्याचा जो छोटा हत्ती आहे अशोक लेलँड MH 49BZ0116 हा आपल्या ताब्यात आहे, आणि बाकी 365 किलो तूर डाळ आपल्या ताब्यात आहे। यामध्ये API इंगोले, संतोष रामलो, PSI सहायक फौजदार गंगाधर मुटकुरे, विशाल अंकलवार, विशाल भैसारे, यशवंत अमृते, वसीम देसाई, सचिन नागरे यांनी काम केलेलं आहे। पुलिस ने आरोपियों से करीब 700 किलो दाल, एक गाड़ी बरामद की है, जिसकी कुल मिलाकर कीमत 7,62,000 बताई जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।